हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए हमें आर्गन प्लेन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आर्गन प्लेन को समझते हैं। सपोज हमारे पास जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको पता है जिस तरह से आप कार्टिजन प्लेन बनाते हैं उसी तरह से आर्गन प्लेन होता है। तो यहां पर एक्स एक्सिस की जगह होता है रियल पार्ट और यहां पर वाई एक्स की जगह होता है इमेजिनरी पार्ट। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है। अब आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। अब अगर मान लो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोजिशन यहां पर है, तो ये जो भी वैक्टर इससे बनेगा वो जो ये एंगल बनाता है दैट एंगल इज कॉल्ड आर्गुमेंट। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये मान लो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एक्स और ये हो जाएगा आपका वाई, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। तो अगर आपसे कोई बोले टेन थीटा निकालो, तो ये टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई अपॉन एक्स। वाई क्या है? आपका इमेजिनरी पार्ट, और एक्स क्या है? आपका रियल पार्ट। तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत क्यों नहीं थी? क्योंकि दोनों ही चीजें पॉजिटिव थी, वाई भी पॉजिटिव था एक्स भी पॉजिटिव था। लेकिन अगर मान लो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहां पर है, तब आप एंगल कैसे निकालेंगे? तो देखिए, क्या करेंगे, ये वाले एंगल को आप थीटा की जगह अल्फा मान लीजिए, क्योंकि मुझे एंगल ये वाला चाहिए। मुझे एंगल कौन सा चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज एंगल चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल निकालेंगे तो ये वाला एंगल चाहिए, लेकिन इस वाले ट्रायंगल से मेरे पास कौन सा एंगल निकल रहा है? ये वाला। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आपको पता है ये एक्स होगा ये वाई होगा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? यहां भी टेन अल्फा निकालेंगे पहले, तो टेन अल्फा हो जाएगा y अपॉन x। tan अल्फा क्या होगा? y अपॉन x। तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। अब ये क्योंकि y नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव, ये जो x नेगेटिव है, तो इस x नेगेटिव को हम लोग हटाने के लिए या अभी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जब भी tan अल्फा निकालेंगे तो मॉड के अंदर निकालेंगे। यहां भी आप इसकी जगह क्या करेंगे? मॉड लगाएंगे, ताकि आपका एंगल पहले अल्फा एंगल निकले। यहां पर तो अल्फा एक्यूट है ना, तो एक्यूट एंगल निकालने के लिए आप यहां पर मॉड लगाएंगे। अब जब आपका अल्फा आ जाएगा, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ये वाला थीटा। अब देखिए यहां से यहां तक कितना है? ये पाई। उसमें से अगर ये अल्फा हटा दें तो क्या आ जाएगा? थीटा। तो हमारा थीटा क्या आएगा? पाई माइनस अल्फा, सॉरी पाई माइनस अल्फा। बात समझ में आ रही है? चलिए नीचे चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होगा? इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर परपेंडिकुलर हो गया इसका, ये मान लो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है यहां भी, तो यहां पर अल्फा क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो पहले तो आप यहां भी क्या करेंगे, यहां पर भी आप इसी तरह से निकालेंगे टेन अल्फा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, मॉड लगाएंगे एक्यूट निकालने के लिए, तो अल्फा यहां भी आ जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, लेकिन अब यहां पर अल्फा कैसे निकालेंगे? तो यहां पर आपको पता है हम इस तरह से चलेंगे, तो ये पूरा पाई हो गया, उसमें से ये अल्फा गया, तो थीटा हमारा क्या आएगा? पाई माइनस अल्फा। लेकिन इस बार हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होता है? माइनस, तो इसके आगे माइनस भी लग जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहां पर होगा? ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो इसका एंगल कौन से कैसे निकलेगा? इस तरह से हम इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा। तो यहां पर तो थीटा इक्वल टू अल्फा ही होगा, तो क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। ठीक है, तो आप क्या ध्यान रहेगा, हमें हमारे पास याद करने के लिए क्या है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इक्वल टू अल्फा,
सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा माइनस अल्फा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे एग्जांपल से भी समझेंगे। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे।